नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मीडिया के समक्ष इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी के 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने कुल टिकटों में से 40% महिलाओं को देगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रदेश की हर उस महिला के लिए है जो न्याय चाहती है, बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नफरत का बोलबाला है। प्रियंका ने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि राजनीति में आइए, आगे आइए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आवेदन खुला रहेगा, आप आगे आइए, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि एक शुरुआत है, आने वाले समय में ये प्रतिशत बढ़ सकता है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस को इतने उम्मीदवार मिल पाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि हम अपने प्रत्याशियों की पूरी मदद करेंगे और वो जरूर जीतेंगी। उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं को आगे बढ़ाना है, यहाँ इनकी भागीदारी बढ़ेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगी। और क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आप भी सुनिए। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है उसने, कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला, सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है
कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम ने तीन आरोपियों आनंद गिरी, आदि प्रसाद और उनके बेटे संदीप तिवारी के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी ने परीक्षण के लिए अपनी सहमति नहीं दी, जिसके बाद अर्जी को खारिज कर दिया गया। हालांकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिंद्र नाथ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के अनुरोध पर तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा जरूर दी है, जो मामले में सुनवाई की अगली तारीख भी है। नरेंद्र गिरी मौत मामले के सभी आरोपी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से पेश हुए और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि सीबीआई ने ये अर्जी सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए दाखिल की है, क्योंकि इस परीक्षण को करने के लिए आरोपी की सहमति आवश्यक है। इसलिए सीजीएम कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में लगातार एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, जिसको लेकर सीबीआई लगातार मांग करती रही, लेकिन सीजीएम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, क्योंकि जो आरोपी हैं उन्होंने इस टेस्ट के लिए मना कर दिया था। इस टेस्ट में जो आरोपी है उसकी सहमति होनी जरूरी है, अगर वो मना करता है तो फिर टेस्ट नहीं हो पाता। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने स्थानीय किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या करने के मामले में प्राथमिकी के संबंध में एसआईटी ने 50 से ज्यादा किसानों को तलब किया है। बता दें कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धाराओं के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद कथित लिंचिंग मामले में 15 किसान सोमवार को एसआईटी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए थे। और एसआईटी के एक अधिकारी ने कहा कि हम दोनों प्राथमिकी की जांच कर रहे हैं और किसानों को दूसरी प्राथमिकी के संबंध में तलब किया गया है। सूत्रों की माने तो हर किसान से उनके वकील मोहम्मद अमान की मौजूदगी में 15 मिनट से ज्यादा समय तक पूछताछ भी की गई। भारतीय सिख संगठन के अध्यक्ष जसवीर सिंह वर्क ने बताया है कि एसआईटी के समक्ष पेश हुए 15 किसानों में से केवल 11 ने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने घटना से संबंधित सवाल पूछे और दोनों प्राथमिकी के लिए एक ही बयान दर्ज किया गया। उनसे सवाल पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला कि वे खतरे में हैं और किसानों को कुचलने के बाद उन्होंने क्या किया। उन्होंने बताया कि हमने एसआईटी से कहा है कि किसान उनके साथ सहयोग करेंगे। तो लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला बढ़ता जा रहा है, राजनीति भी बहुत हुई है इस पूरे मामले में, कई खुलासे भी बहुत हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, अब किसानों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें 4 किसानों की मौत हुई, एक स्थानीय पत्रकार, वहीं 3 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, जिनकी कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो इसको लेकर अब तलब किया जा रहा है किसानों को। 15 किसान सोमवार को अपनी जो बयान है वो दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब भी करीब 50 से ज्यादा किसानों के जवाब तलब करने हैं, जिसको लेकर एसआईटी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम बयान जरूर दर्ज करा रहे हैं और हम लगातार जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन किसानों का यही कहना है कि ये एक्शन का रिएक्शन था। जिस तरह से वहां पर हालात पैदा हुए, उसी तौर पर वहां पर मारपिटाई शुरू हुई और इसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई। तो ये पूरा जो पहलू है वो लगातार सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब किसानों को भी तलब किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आसानी से अपराध करने के ग्राफ में सबसे ऊपर है। शाहजहांपुर की घटना का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला किया और कहा कि हत्या ने मुठभेड़ सरकार के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लंबे दावों को उजागर किया है। वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश ने अपराध के मामले में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। एसपी से राज्य सरकार पर आगरा के एक पुलिस थाने से 25 लाख रुपए से अधिक के नगदी चोरी मामले पर भी हमला किया, जो आप बदमाशों ने मालखाना के ताले तोड़ दिए थे और थाने में रखी नगदी के साथ फरार हो गए थे। कुछ समय पहले आगरा में रेलवे के शीर्ष ठेकेदार के आवास पर छापेमारी करने के बाद चोरी की नगदी बरामद हुई। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि अगर पुलिस थाना सुरक्षित रही तो कोई और स्थान की कल्पना कैसे कर लीजिए।
इसके साथ ही उन्होंने अपराध पीड़ितों के प्रति बढ़ती संवेदनहीनता के लिए भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक उदाहरण का हवाला दिया जिसमें एक महिला अपने पति का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी जो 10 दिनों से ज्यादा समय से लापता था। सपा अध्यक्ष ने एक ट्वीट में कहा, पुलिस ने महिला की मदद करने की बजाय उसे किसी और से शादी करने का विकल्प तलाशने की सलाह दे दी। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव, हर एक दल की नजर उस पर बनी हुई है, किस मुद्दे को ज्यादा उठाना है, किस मुद्दे को कम उठाना है, किस मुद्दे पर ज्यादा फोकस करना है, किस मुद्दे पर कम करना है, ये तमाम चीजें इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो हर एक मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाना जानते हैं, हर मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आज फिर उन्होंने सरकार पर हमला किया है और कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश अपराध करने की सूची में नंबर 1 पर है, यानी कि टॉप पर है, और लगातार ये अपराध बढ़ता जा रहा है। चाहे वो हत्या हो, चाहे वो लूट की घटनाएं हों, चाहे वो चोरी की घटनाएं हों, चाहे वो डकैती हो, या फिर बलात्कार हो, या फिर यहाँ पर व्यापारियों को बंधक बनाना हो, अपहरण करना हो, ये तमाम जो मामले हैं, तमाम जो अपराध है, वो उत्तर प्रदेश में चरम पर है। अयोध्या के गोसाईगंज से बीजेपी विधायक खबू तिवारी के नाम से मशहूर इन प्रताप तिवारी को कॉलेज में दाखिले के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के 28 साल पुराने एक मामले में विशेष अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाया और सांसद विधायक अदालत में मौजूदा खबू तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि खबू तिवारी के खिलाफ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज में तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार स्नातक के दूसरे वर्ष में अनुत्तीर्ण होने वाले खबू तिवारी ने 1990 में फर्जी मार्कशीट जमा कर अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया था। इस मामले में 13 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी और सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की भी मौत हो गई थी। बता दें कि इस मामले में साकेत कॉलेज के तत्कालीन डीन महेंद्र कुमार अग्रवाल और अन्य गवाहों ने खबू तिवारी के खिलाफ गवाही दी है, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा अब सुनाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए 20 अक्टूबर यानी कि बुधवार को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। वहीं करीब 10 बजे एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद लगभग 11:30 बजे वो महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिदम दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह में शिरकत भी कर सकते हैं। बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सप्ताह चालू हो जाएगा और पहली उड़ान 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुकों के साथ श्रीलंका के कोलंबो से इस हवाई अड्डे पर उतरेगी। इस हवाई अड्डे से दुनिया भर के बौद्धों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी। कुशीनगर हवाई अड्डे की अनुमानित लागत 260 करोड़ रुपए है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा देगी। ये दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने की कोशिश है। इस हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत तमाम मेहमानों का स्वागत पूर्वांचल के मशहूर काला नमक चावल से बने बुद्ध प्रसाद से किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एयरपोर्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई बार इस जगह जा चुके हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का कामकाज वहां हो रहा है, इसका जायजा वो ले चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। इसके अलावा देखा जाए तो कुशीनगर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे जो बौद्ध भिक्षुक हैं, जो बौद्ध के कहे हुए वचनों पर चलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अलग अलग कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर उन्हें मिल पाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो अन्य ज़िले हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है, तैयारियां कैसी हैं? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पार्मी, बता दूं आपको कि अभी मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है और एयरपोर्ट से सीधे वो जनसभा स्थल पे पहुंचे हैं, जहां कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है, जनसभा होना है, जहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री के साथ आईजी और डीआईजी ने गोरखपुर में भी निरीक्षण किया है, बाकी सुरक्षा के पूरी इंतजाम जो है वो एकदम कड़ी चाक चौबंदी। दीपक, उद्घाटन का समय क्या है और तमाम जो कार्यक्रम है वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या रहने वाले हैं, कुशीनगर को और क्या कुछ खास सौगात मिल सकती है? अभी तो ये फिलहाल में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से वो है और एक मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है कुशीनगर जनपद से, और बाकी एक बड़ी बाईपास की जो परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने यहाँ एक वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक शुगर फैक्ट्री, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कल प्रधानमंत्री यहाँ शुगर फैक्ट्री के लिए भी एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। बिल्कुल दीपक, अगर कुशीनगर की हम बात करें तो ये बुद्ध की धरती कही जाती है और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ बौद्ध के कहे वचनों पर चलते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो हवाई अड्डा यहाँ कल मिलने वाला है कुशीनगर वासियों को, ये एक बहुत बड़ी सौगात हो सकता है, क्योंकि इससे सीधे कनेक्टिविटी रहेगी जो और ऐसे स्थल हैं जहाँ पर बुद्ध भगवान को पूजा जाता है, जहाँ पर लोग जाते हैं श्रद्धा के साथ, तो उनको आसानी होगी आने जाने में। जी बिल्कुल, जितने सारे जो बौद्धिस्ट राष्ट्र हैं उनके लिए एक बार जीवन में यहाँ भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली पे आना बिल्कुल उनका वो होता है, उनको अपना वो मानते हैं, तो इससे पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिलेगा और जब बाहर से जो पर्यटक आएंगे तो विकास को एक नया आयाम भी मिलेगा अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल से चालू हो जाता है। बिल्कुल दीपक, और कुशीनगर के कौन कौन से कस्बे, कौन कौन से गाँव ऐसे है जो एयरपोर्ट से पास होंगे, कितनी लागत से इसका निर्माण हुआ है? जी बिल्कुल, कुशीनगर लगभग 20 से 25 किलोमीटर के जितने भी लगभग एरिया हैं वो काफी उनको पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। दीपक, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये करीब 260 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा भी देगा। ये दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने की कोशिश है। इस हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के जिलों को भी लाभ मिलता रहेगा, साथ ही क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर यानी कि बुधवार को यानी कि कल कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत तमाम मेहमानों को स्वागत किया जाएगा। पूर्वांचल के मशहूर काला नमक चावल से बने बुद्ध प्रसाद भी उन्हें दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और यहां तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर संचारी रोग पखवाड़े का शुभारंभ किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि इस अभियान के सफल संचालन से पूरे प्रदेश में जेई, ईएस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कालाजार रोगों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, आईएससीडीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायती राज, नगर विकास विभाग, मनरेगा विभागों के प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण भी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में एक मॉडल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक टीम वर्क का परिणाम है, जब सभी लोग एक दिशा में सोचते हैं और उसके अनुरूप प्रयास किए जाते हैं तो उसके बेहतर परिणाम ही आते हैं। इसके पूर्व
पूर्व उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के उपरांत इस साल हमारा तीसरा संचारी रोग नियंत्रण का विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिसको जनपद बस्ती से पूरे प्रदेश के लिए इसका शुभारंभ करते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल पहले इस समय बस्ती जनपद के दर्जनों बच्चे इस दिमागी बुखार की चपेट में आते थे। उस महामारी के खिलाफ हम लोगों ने अभियान का शुभारंभ किया था और समय के अंतर विभागीय और जनमानस के साथ संवाद का क्या महत्व होता है, हमने इस ताकत को पिछले 4 सालों में महसूस किया। वो आगे कहते हैं कि पहले चरण में इस अभियान को गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों में शुरू किया गया। इसके अलावा 48 जिलों के साथ पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है। उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया है। 3 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग दिमागी बुखार को 75% तक नियंत्रण करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रण करने में सफलता भी हासिल की है। वहीं जालौन में बीती 10 सितंबर को हुई अधेड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने अधेड़ की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अधेड़ घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था, उसी वक्त अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को एक तमंचा और कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया। वहीं थाना क्षेत्र के इगोई कला गाँव में बीती 10 सितंबर को अधेड़ की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा अब पुलिस ने किया है। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 10 और 11 सितंबर की रात्रि को राम सेवक नामक व्यक्ति जो कि अपने घर के बाहर खाट पर सो रहा था, उसकी रात्रि को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह इसमें अभियुक्त अज्ञात थे और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अग्निविधि कार्रवाई की जा रही थी। उसी घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम दुर्गेश है जो कि कालपी का रहने वाला है और एक मोहित है जो कि इमुई कला गाँव का ही रहने वाला है और एक अन्य अभियुक्त सुरेंद्र फरार चल रहा है। इन्होंने जो है मृतक राम सेवक की हत्या इसलिए की थी कि इसमें दुर्गेश जो है जिसकी मौसी ब्याही हुई है इमुई कला गाँव में, उसके उनका लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन जब ये राम सेवक तांत्रिक ने वादा किया था कि खुद ठीक कर देगा और नहीं कर पाया था, उस लड़के की मृत्यु हो गई थी, तो इसी बात से ये लोग उसके प्रति रोष में थे और ईश्वर की भावना रखते थे। इसीलिए इसमें मोहित ने सारी जानकारी इकट्ठा की कि कैसे किस समय वो बाहर है और बाकी अपने दोनों अन्य साथियों दुर्गेश और सुरेंद्र को बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या करा। सर, इसमें और भी लोग शामिल हैं? इसमें 2 लोग जो है गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं और 3 अभियुक्त अभी फरार है, जल्द ही इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस मामले में इसमें जो है सर्विलांस की टीम ने काफ़ी अच्छा दुर्वर्क किया है, इसके लिए इनको। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बन गया है। सोमवार शाम तक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। अब तक 62.67% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 8,15,00,000 से ज्यादा जांच हुई है। सोमवार को 17,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। अब प्रदेश में कुल 12,26,926 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें से 9,32,00,000 से ज्यादा को पहली और 2 करोड़ से ज्यादा को दूसरी डोज लग चुकी है। यूपी सर्वाधिक टीकाकरण वाला पहला राज्य हो गया है। मालूम हो कि कोविड टीकाकरण के लिए 70.53% से अधिक लोग पूरी तरह कोविड टीका कवर प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह 62.67% लोगों ने कम से कम एक डोज लगवा ली है। यूपी में 548 ऑक्सीजन प्लांट में से 501 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं, यानी कि उन पर काम चल रहा है और कुछ है जो काम भी कर रहे हैं। मेरठ के पूर्व सांसद हाजी शहीद अखलाक जल्द ही अपने अगले सियासी कदम के संबंध में खुलासा कर सकते हैं। उनकी फेसबुक पोस्ट के बाद शहर की जो सियासत है वो गरमा गई है। कहा जा रहा है कि शाहिद अखलाक जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है, इससे उनके सपा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल हाल ही में मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। वहीं अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाहिद अखलाक भी जल्द ही सपा में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक ने कहा है कि अखिलेश यादव से मुलाकात अच्छी रही। शाहिद अखलाक साल 2004 में बसपा के टिकट पर मेरठ के सांसद चुने गए थे, वो मेरठ के मेयर भी रह चुके हैं। साल 2009 में सेक्युलर एकता पार्टी बनाकर उन्होंने मेरठ से चुनाव भी लड़ा था।
साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, वहीं अब उनके सपा में शामिल होने को लेकर वेस्ट यूपी की मुस्लिम सियासत में हलचलें तेज हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।